हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बिहारी स्टाइल में मसाला फिश फ्राई, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप भी एक बार इस तरह से मसाला फिश फ्राई जरूर बना के देखिएगा, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मसाला फिश फ्राई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 900 ग्राम रेहू फिश लिया है। आप इसके जगह पे कतला फिश का भी यूज कर सकते हैं और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम फिश को मसालों के साथ मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब इसमें हम 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसमें हम 1/2 नींबू का जूस भी ऐड करेंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे, उसके बाद इसे हम फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एक एक करके फिश को डाल देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम में दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए फिश एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम टर्न कर देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम में दूसरे साइड से भी गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए फिश दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब हम इसी तरह से सारे फिश को फ्राई कर लेंगे। देखिए मैंने सारे फिश को इसी तरह से फ्राई कर लिया है। देखिए यहाँ पे मैंने बिहारी स्टाइल मसाला फिश फ्राई को सर्व कर लिया है। आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है और ये बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाता है और यकीन मानिए खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आप एक बार इस तरह से मसाला फिश फ्राई बना लेंगे तो यकीन मानिए आप सारे फिश को अकेले चट कर जाएंगे और इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।